क्या कहलाता है में जोरदार तमाचा पड़ गया है मनीष को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किरिया की घिनौनी चाल कामयाब हो गई है सीरत को घर से निकालने की। लेकिन अब क्या वजह होगी जो सीरत वापस रुकने वाली है उदयपुर में। चलिए दोस्तों बताते हैं पूरी कहानी। तो भाई मनीष को पड़ा है थप्पड़ क्योंकि यहाँ पर लगा है सीरत और उसकी नानी पर चोरी का इल्जाम। और ये रिंग किसी और ने नहीं, रिया ने छुपाई थी उनके सामान में और उसको उस पर इल्जाम डाल दिया। और दादी उसे सामान की चेकिंग करने के लिए कहती है। सीरत और नानी दोनों इस बात के अगेंस्ट होती है और छीना झपटी में सीरत रिया को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन पड़ जाता है मनीष को थप्पड़। कार्तिक को कुछ नहीं सूझता और वो सीधा सीरत को यहाँ से जाने के लिए कह देता है और बहुत ही बुरे गुस्से में होता है। लेकिन यहाँ पर होने वाली है एंट्री और वो भी नक्स की। जी हाँ दोस्तों, नक्स अब यहाँ पर सीरत को और नानी को लेके जाएगा अपने घर, यानी सीरत के लिए अब दूसरा सहारा बनेगा नक्स। तो यहाँ पर एक बार फिर से जिस तरह से वो नायरा की नक्स हमेशा मदद करते हुए नजर आता था और हमेशा कार्तिक के अगेंस्ट खड़ा होता था, उसी तरह से इस बार फिर से नक्स की एंट्री करवाई जाएगी सीरत की मदद के लिए। क्योंकि यहाँ पर सीरत का पहले यानी उसकी नानी का घर तो पहले से ही छिन चुका है और यहाँ पर उसने लॉयर भी जो है उदयपुर में ही हायर किया है। अब यहाँ पर नक्स ही नायरा की मदद करते हुए नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर अब नक्स की एंट्री फिर से होने वाली है शो में, जो कि सीरत की मदद करेगा। देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वापस कैसे सीरत और कार्तिक के रास्ते एक होते हैं। वेल, आने वाले एपिसोड की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।